मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से 9 जुलाई को कोरोना वायरस के बारे में बताना चाहता हूं, खास करके एयरबोर्न ट्रांसमिशन के बारे में। 26 मार्च को और 29 मार्च को एक टीवी प्रोग्राम के दौरान मैंने ये आशंका रखी थी कि ये वायरस कैन बी एयरबोर्न। उसमें कुछ बातें आई थी, उस समय भी डिस्कशन चला था कि एयरबोर्न हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसके बाद अभी रिसेंटली 2-4 दिन से ये बात चल रही है कि WHO हैज ऑल्सो कन्फर्म्ड और टू सम एक्सटेंट हैज गिवन ए सस्पिशन कि शायद ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन हो सकता है। व्हाट इज एयरबोर्न ट्रांसमिशन? एयरबोर्न ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि अगर वायरस हवा में 5 माइक्रोन के ड्रॉपलेट के अंदर सस्टेन कर जाए या वायरस उसके अंदर 5 माइक्रोन के नीचे भी रह जाए तो उसको एयरबोर्न कहते हैं। नॉर्मली ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, जैसा कि एवोल्यूशन शुरू में कहा कि कोई खांसेगा या छींकेगा तो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बनेंगे जिसकी जिसका मापदंड होता है 5 से 10 माइक्रोन। तो उसके अंदर अगर ये रहता है तो इसका मतलब है कि छींकने के बाद वो नीचे सतह में गिर जाएगा और हवा में रुकेगा नहीं। लेकिन अगर यही वायरस अगर किसी वजह से 5 माइक्रोन के न्यूक्लियाई के अंदर भी रुक जाए तो वो हवा में तैरता रहेगा कुछ घंटे तक। अगर हवा में रहेगा तो इसका मतलब है कोई आदमी उधर से गुजरा, उसने सांस ली और उस सांस के थोड़ी देर बाद दूसरा आया आदमी जिसके मास्क नहीं लगा है, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। दिस इज अ सीरियस कंडीशन। अब इसको रोकने का तरीका एक ही है, बड़ा सिंपल तरीका है। अगर एवरीबॉडी इज वेयरिंग द मास्क आउटसाइड द हाउस, यानी घर से बाहर निकलिए जहां पे आपको लगता है कि लोग गुजर चुके हैं, या मेट्रो में हो या बस में हो या ट्रेन में हो या फ्लाइट में हो, मास्क ऑल द टाइम, मास्क और रुमाल और अंगोछा, फेस कवर करना है। दिस इज द वे टू प्रिवेंट। डोंट पैनिक इवन इफ इट इज एयरबॉर्न, डोंट पैनिक। यू कैन सेव योरसेल्फ इफ यू आर कवरिंग द फेस इन ए पब्लिक एरिया। घर के अंदर भी अगर आप हैं तो अगर घर के बाहर पहुंचे हैं घर के बाहर तो आपको मास्क पहनना है। वेदर इट इज एयरबोर्न और नॉट एयरबोर्न, अगर हम फेस कवर करके रखेंगे तो वी एबल टू सेव आवर सेल्फ एंड आवर फैमिली मेंबर्स। हम अगर बचाव रखेंगे तो अपने को भी बचा पाएंगे और फैमिली मेंबर को भी बचा पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। एयरबोर्न तब होता है जब 5 माइक्रोन के नीचे है। थोड़ा डिबेट चल रही है, काफी संगठनों ने लिखा है कि दिस इज पॉसिबली एयरबोर्न, तभी इतना ज्यादा फैल रहा है। अगर ये है तो WHO ने भी कहा है कि ओके हो सकता हो, बट दे आर नॉट वेरी श्योर, बट वी हैव टू बी केयरफुल। कवर द फेस, फेस को कवर रखिए, और आप एयरबोर्न ट्रांसमिशन भी है तो भी आप बचेंगे। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता एंड अपोलो हॉस्पिटल ऑन 9th ऑफ जुलाई 2020।